वाली बात यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ वीडियो कर रहे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक शादी का ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। ये जो ब्लॉग है ये तिलक का ब्लॉग है। इससे पहले मैं एक वीडियो और डाली थी शादी का ही, वो उसमें हल्दी का रसम वाला वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे फ्रूट्स रखे हुए हैं एंड ये सारे फ्रूट्स टोकरी में बंधे हुए हैं। तो अभी जो भी आप लोग यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह देख रहे हैं ये सारा तिलक में जाएगा लड़के वालों के तरफ। तो यहाँ पे सारा फ्रूट्स रखा हुआ है एंड पंडित जी भी आ गए हैं, पंडित जी अपना काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे भगवान जी के पास ये सारे फल वगैरह रखे हुए हैं, इसमें पंडित जी कुछ पूजा पाठ करेंगे उसके बाद ही यहाँ से जाएगा। तो ये एक ट्रे है, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं एंड ये भी जाएगा वहाँ। तो इस तरह से ट्रे में ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं एंड उसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दुल्हन आ गई है एंड यहाँ पे उसको सब लोग हल्दी लगाएंगे। तो अभी यहाँ पे मैं हल्दी उसको लगा रही थी एंड सारे लेडीज़ लोग आ चुकी हैं एंड सब लोग उसको हल्दी लगाएंगे। एंड हल्दी लगने के बाद नीचे जाएंगे तो आप लोग देखेंगे नीचे में होती है तिलक की जो भी रस्म होती है वो। तो इस ब्लॉग में आपको प्रॉपर गांव की शादी देखने को मिलेगी, बिहार में गांव में शादी कैसे होती है उस तरह की। तो अभी यहाँ पे उसको हल्दी लग चुकी है, उसके बाद हम लोग नीचे आए हैं। नीचे यहाँ पे पूजा रूम है जहाँ पे सब घर के जो भगवान होते हैं, देवता होते हैं, वहाँ पे अभी यहीं पे रसम होगा। तो जहाँ पे घर के जो भगवान जी होते हैं वहीं पे रसम होती है। तो अभी पंडित जी सब रसम करवाएंगे उसको जो भी होता है। तो यहाँ पे पूजा बहुत ही लंबा चलता है, 1-2 घंटे तक। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। तो यहाँ सारे लेडीज़ लोग गीत गा रही है एंड बहुत ही ज़्यादा भीड़ है घर में, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आग वाली बात यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ वीडियो कर रहे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग था तो मैं एडिट करके छोटी छोटी क्लिप इसमें ऐड की हूँ एंड आप लोगों को बीच बीच में ओरिजिनल साउंड भी सुनने को मिलेगा तो थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में। तो अभी यहाँ पे पंडित जी दुल्हन के हाथ में रख रहे हैं कुछ एंड ये सारा कुछ जो भी दुल्हन के हाथ में रखा हुआ है ये सब लड़के वालों के तरफ जाएगा। इसमें चैन वगैरह है एंड चांदी का होता है बाउल वगैरह, वो सब है अंदर में रखा हुआ, वो नहीं दिख रहा है। तो ये सारा कुछ इसमें पंडित जी कुछ करेंगे पूजा पाठ, उसके बाद ये सब ऐसे ही जाएगा लड़के वालों के तरफ एंड वहाँ पे भी दिया जाता है सब कुछ। तो उधर का तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाऊँगी लड़के वालों की तरफ से, तो अभी जो भी है इधर का वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ एंड यहाँ पे
तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं बर्तन रखा हुआ है, ये सब जाएगा लड़के वालों की तरफ। तो यहाँ पे कासा पीतल एंड स्टील का बर्तन रखा हुआ है, ये एक बॉक्स है, इसमें सारा जो स्टील का बर्तन होता है घर के लिए, डिनर सेट वगैरह सब इसमें रखा हुआ है एंड ये सब जाएगा वहाँ। तो जिसको जो मर्जी होता है देने का लड़की वालों की तरफ से वो देता है। तो ये सब यहाँ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि पंडित जी उसमें कुछ पूजा करते हैं, हल्दी चंदन वगैरह कुछ लगाते हैं उसमें, उसके बाद ही वो जाता है यहाँ से। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं पूजा अब समाप्त होने वाली है, पंडित जी की जो भी रस्म थी वो पंडित जी कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो भी लेडीज लोग हैं सब लोग जो दुल्हन है उसके ऊपर अच्छा डालेंगे। तो अभी यहाँ पे मेरी मम्मी जो है वो अच्छा डालेगी पाचर लड़की के दुल्हन के ऊपर। तो अभी यहाँ पे मैं दुल्हन को सर आँचल से ढकी हुई थी क्योंकि वो ढका जाता है रस्म होती है। तो ये सब होने के बाद उसके बाद पूजा समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहें एंड ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स अब तिलक की जो रस्म होती है वो समाप्त हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे दुल्हन को लेके जाया जा रहा है, भगवान जी के सब जगह प्रणाम करेगी एंड बड़े लोगों सबको फ्रेंड्स ये रही शादी की सेकेंड ब्लॉग। आगे आपको और भी ब्लॉग देखने को मिलेगी एंड ब्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.